हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जन आशीर्वाद रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जब इन कांग्रेसियों के पास कोई मुद्दा नहीं होता है तो वो झूठ फैलाना शुरू कर देते हैं। जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो उन्होंने हिसाब मांगना शुरू कर दिया। मैं हुड्डा साहब को बताना चाहता हूं कि जब वो 2004 से 14 तक हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उसका एक एक मिनट का हिसाब मेरे पास है। उन्हें जनता को बताना कि उन्होंने क्या किया है। मैं अपने एक एक काम का हिसाब जानना जनता को देने के लिए तैयार हूं, लेकिन उन्हें यह भी बताना चाहिए कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान क्या काम किया। मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूं, एक कांग्रेस के लोग हैं भाई, एक कांग्रेस के लोग जब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और जब मुद्दा नहीं होता है ये झूठ बोलने का, झूठ फैलाने का काम करते हैं भाई। और हमारी सरकार ने, मैं आपको बताना चाहता हूं, अब इन लोगों को अगर और कुछ नहीं मिला ये हिसाब मांगना शुरू कर दिया है। मैं आज कलायत के अपने परिवारजनों के बीच में आया हूं भाइयों, मैं आज कांग्रेस के जो हिसाब मांग रहे हैं कांग्रेस वाले मुझसे जो हिसाब मांगते हैं, मैं ये हुड्डा साहब को ये कहना चाहता हूँ, मेरे पास आपके कार्यकाल का 10 वर्ष के कार्यकाल का जो आप 2004 से लेकर के 2014 तक हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उसका एक एक मिनट का हिसाब वो मेरे पास है। आप जनता को बताने का काम करें कि हमने क्या क्या काम किए हैं भाइयों। मैं अपने 10 वर्ष का हिसाब देने के लिए तैयार हूँ भाइयों। आप ये हिसाब मांग रहे हैं भाइयों, साथियों, मैं एक गरीब किसान का बेटा, एक गरीब परिवार से पिछड़े समाज का बेटा, मैं पाई पाई का हिसाब मैं कांग्रेस के लोगों को मैं देने के लिए तैयार हूँ, परंतु उनका क्या कार्यकाल रहा वो भी अपने कार्यकाल के अंदर